भारतीय समाचार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आजकल पाकिस्तानी चैनल की एक ट्रांसजेंडर एंकर काफी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल पाकिस्तान में पहली बार एक ट्रांसजेंडर को एंकर के रूप में चुना गया है। इस एंकर ने हाल ही में अपना पहला न्यूज बुलेटिन पढ़ा। लोगों ने जब उन्हें टीवी पर देखा तो वे भी हैरान रह गए। पाकिस्तान की इस पहली ट्रांसजेंडर एंकर का नाम माविया मलिक बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माविया इससे पहले इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हाथ आजमा चुकी हैं। हाल ही में माविया फैशन शो में रैंप वॉक करती नजर आई थी। इस घटना ने भी मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। वहीं एक इंटरव्यू में माविया ने खुलासा करते हुए बताया था कि उनका यहां तक का रास्ता आसान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि बचपन में ही उन्हें माता पिता ने छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने खुद के बूते पर पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की और पत्रकारिता में डिग्री हासिल की। माविया ने तकरीबन 3 महीने पहले कोहिनूर न्यूज में इंटरव्यू दिया था। उनकी परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर चैनल ने उन्हें उसी दिन नौकरी दे दी। अब 3 महीने बाद उन्हें बतौर एंकर बुलेटिन पढ़ने का मौका मिला। पाकिस्तान में कुछ समय पहले ही सीनेट ने किन्नरों की सुरक्षा के लिए बिल को मंजूरी दी थी। इस बिल के कानून का रूप लेने पर पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर सरकारी दफ्तरों में खुद को किन्नर के तौर पर रजिस्टर करवाने के साथ ही कानूनी तौर पर सुरक्षा के हकदार बन जाएंगे।